राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस टेस्ट लगाने वाले हैं जीएस जीके के अंदर। सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर ही लिए हैं और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो ध्यानपूर्वक ये प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आपको कोशिश करना है 15 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर आपको 6 से 7 महीने हो चुके हैं जीएस पढ़ते हुए, तो यहाँ पर आप 15 ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इजीली। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीपीओ, आरपीएफ, सीजीएल, एमटीएस, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको टेस्ट लगाना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनकठिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसानों को डैश के साथ अपनी भूमि के प्रति बीघे 3 कांटा खेती करने का दायित्व था। तो तीनकठिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसानों को नील की खेती के साथ अपनी भूमि के प्रति बीघे 3 कांटा खेती करने का दायित्व था। ऑप्शन 4th वाला यहाँ पे राइट आंसर है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, 3 काठिया प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह पल्लव रानी कौन थी जिसने तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए पहली अभिलेखीय बंदोबस्ती की थी। ऑप्शन 1st वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? तो अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य शैली नागर है। ऑप्शन 3rd वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे बड़ा मोनाजाइट संसाधन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मोनाजाइट संसाधन वाला राज्य केरल है। ऑप्शन 2nd वाला यहाँ पे राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी तैयारी कर रहा है आरपीएफ के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो नोट डाउन करके चलना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ सतलुज, रावी और डैश है। तो सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ है सतलुज, रावी और ब्यास। ऑप्शन 3rd वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और जो भी सूचकांक प्रकाशित हो रहे हैं 2024 या 23 में, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उनको पढ़ लेना। जैसे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो CCPI 2024 में भारत की रैंक 7वीं है। ऑप्शन 1st वाला यहाँ पे राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल नहीं होते हैं। ऑप्शन 1st वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया चूना पत्थर से भुजा चूना तैयार करने के लिए की जानी चाहिए? तो अपघटन और संयोजन रासायनिक अभिक्रिया चूना पत्थर से भुजा चूना तैयार करने के लिए की जानी चाहिए। ऑप्शन 2nd वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा? तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में पंजाब उभरा। ऑप्शन 1st वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पूजी जाने वाली प्रथम जीवित मूर्तियां संभवतः किसकी थी? तो भारत में पूजी जाने वाली प्रथम जीवित मूर्तियां बुद्ध की थी। ऑप्शन 3rd वाला यहाँ पे राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन 3rd वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है।
साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रम शक्ति की श्रेणियां हैं? तो श्रम शक्ति की श्रेणियां स्वनियोजित श्रमिक और आश्रमिक श्रमिक और बेरोजगार और मजदूरी वेतन अर्जक, ये दोनों श्रम शक्तियों की श्रेणियां हैं। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा, एक और दो। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो हैं श्रम शक्तियों की श्रेणियां हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, वह पल्लव रानी कौन थी जिसने तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए पहली अभिलेखीय बंदोबस्ती की थी? तो वह पल्लव रानी समावाई थी जिसने तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए पहली अभिलेखीय बंदोबस्ती की थी। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करने वाला तत्व हीलियम है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर वर्ष 1969 में स्थापित किया गया है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है, और आपको बताना है तारापुर किस राज्य में है, कमेंट में इसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया है? तो विकास इंजन इसरो ने विकसित किया है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन ने जीता। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय भवन के मुख्य भवन समूह की रूपरेखा निम्नलिखित में से किस वस्तुकार द्वारा तैयार की गई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय भवन के मुख्य भवन समूह की रूपरेखा गणेश भिकाजी देउलीकर के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, रुक्मणी देवी अरुणडेल एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनकी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली क्या थी? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी जिनकी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम थी। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, लासोंग महोत्सव डैश राज्य का कटाई का उत्सव है? तो लासोंग महोत्सव सिक्किम राज्य का कटाई का उत्सव है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा है? तो गोल मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो आंतरिक ग्रहों का समूह है शुक्र पृथ्वी बुध मंगल, ये आंतरिक ग्रहों का समूह है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करने वाला तत्व हीलियम है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? तो जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बेन स्टोक को नामित किया गया है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन
फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्पोर्ट्स से, तो ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसके बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन सेकेंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और इस समिति का पूरा नाम था सुरेश तेंदुलकर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में तुंगभद्रा नदी नहीं गिरती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, 1665 में मुगल सेनापति जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1665 में मुगल सेनापति जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच पुरंदर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाइड्रोजन बम किसने बनाया? तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद कर्नाटका राज्य में है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। टोटल 8 राज्यों में विधान परिषद है, पढ़ लेना, वहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है तो साथियों, यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं जीएस जीके को मिला के। आपको कोशिश करना है यहाँ पर 22 प्लस स्कोर करने की। अगर आप जीएस के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस लगाएं, रिवीजन करते रहें, ताकि आप जीएस में अच्छा स्कोर करें और अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करें। इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहे हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।